नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। हमने कुछ आपको पहले वीडियो में बताया था दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में, आज हम इसके कुछ और लाभ आपको बताते हैं। बिल्कुल असली आपके सामने है इंद्र के वज्र जैसा दो मुखी रुद्राक्ष। देख लीजिए, सभी प्रकार के रुद्राक्ष इधर हैं। तो ये है आपके सामने दो मुखी रुद्राक्ष। बिल्कुल ध्यान से देखिए किस प्रकार से ये, हम जूम करके दिखा देते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। वैसे सभी रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के ही स्वरूप हैं, लेकिन दो मुखी रुद्राक्ष है जो वो मेन कार्य करता है, सक्सेसफुलता दिलाता है, सफलता दिलाता है, समाज में खोई हुई मान प्रतिष्ठा को वापस दिलाता है। अगर आप व्यवसाय नौकरी में हार चुके हैं, थक चुके हैं, भाग दौड़ की जीवन में अगर आप असफल हो चुके हैं करते हुए, इसको धारण कीजिए। दो मुखी रुद्राक्ष को जैसे आप धारण करते हैं, आपके जीवन में अनेक बदलाव उत्पन्न होने लगते हैं। ये बड़े साइज में है दो मुखी रुद्राक्ष और कुछ इस प्रकार के, यानी कि हमारे पास भारतीय, नेपाली व अन्य जगहों के सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। सभी की जानकारी हम समय समय पर देते रहते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष है जो, उसको लंकाधिपति रावण ने भी अपने गले में धारण किया हुआ था, क्योंकि रावण भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे और हर जगह विजय प्राप्त चाहते थे। सो जिन भाइयों को, बहनों को इस प्रकार की व्यवसाय में, जॉब में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बाधाएं आ रही हैं, या आप कहीं पे नौकरी करते हैं वहाँ आपको कोई परेशान करता है, इसको धारण कर सकते हैं। वो कुछ ही समय में आपसे दूर हो जाएगा। ये आपसे ईर्ष्या करना, नफरत करना, गुस्सा करना, आपसे झगड़ा करना छोड़ देगा। आपकी पावर का उसको पता चलेगा, यानी कि वो आपसे दबदबा मानेगा। कोई भी इंसान चाहे आपको कितना ही नीचा दिखाने की क्यों ना कोशिश करे, लेकिन आप हमेशा सफल ही होंगे। दो मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा चमत्कारी रुद्राक्ष है जिसको अगर कोई भी मानसिक स्थिति खो चुका व्यक्ति, डिप्रेशन या संकट से घिरा इंसान धारण करे, तो उसकी खोई हुई असफलता सफलता वापस मिलेगी। असफलता हुआ इंसान सफलता प्राप्त करेगा, हार चुका इंसान विजयी होगा। यानी कि दो मुखी रुद्राक्ष एक डूबते हुए को तिनके के सहारे की भांति भवसागर से पार कर देता है। अगर आप उम्मीद खो चुके हैं तो इसको धारण कीजिए। असली रुद्राक्ष को विधि सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन कर धारण कीजिए। इसको कोई भी धारण कर सकता है, माता, बहन, भाई, पर नियम स्वयं रखना होगा। कुछ इनके नियम हैं, वो क्या हैं हम अगली वीडियो में बताएंगे, और क्या विधि है इसकी धारण करने की वो भी अगली वीडियो में बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। और एक खास बात और, पति पत्नी के संबंध में हम बताएंगे अगले वीडियो में रुद्राक्ष के बारे में। सो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।